नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ भरतपुर, जो दोस्तों अभी आपको पता ही राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्टों में नए कॉलेज आए, उनमें से एक भरतपुर का भी कॉलेज है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं भी भरतपुर का रहने वाला हूं, तो मैंने इस कॉलेज को बड़े बारीकी से देखा है। ये आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित है और बहुत शानदार कॉलेज है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि देखो, अभी नया नया कॉलेज आया है तो इसमें कई चीजों की अभी कमी भी है, काफी अच्छा भी है। अभी 2018 में ये आया है और इसके बाद दोस्तों इनकी तुलना अगर अपन SMS, RNT या फिर SN मेडिकल कॉलेज से करें तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी ये कुछ नहीं है, लेकिन नए कॉलेजों में काफी अच्छा है, काफी अच्छी दोस्तों उसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, मेस की, और इसके अलावा जो एक बेसिक हॉस्पिटल में या बेसिक कॉलेज में होते हैं उसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी हैं। और इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, अगर आपको कोई भी राजस्थान में या फिर कोई भी इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि आप अगर रेशियो निकालें तो 2% बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, रही बात इसकी कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं, तो मैं कट ऑफ तो इसकी ऑलमोस्ट आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक आपको आइडिया जरूर दे दूंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान की कट ऑफ इस बार ऑल इंडिया कोटा से भी ज्यादा रही थी 2020 में। तो अपन बात करें इसमें जनरल कैटेगरी की, जो राजस्थान की कट ऑफ रही थी वो 617 के समथिंग रही थी और 615-613 रही थी दोस्तों EWS की, और OBC की 611 रही थी, और SC ST की दोस्तों आपको ऑलरेडी पता ही है। तो एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं कह सकता कि भरतपुर की ये रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो लास्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी डूंगरपुर की, क्योंकि मैं काउंसलिंग में इस बार डूंगरपुर, वो जब REOHS में काउंसलिंग हुई थी मई था, तो डूंगरपुर की लास्ट रही थी। और डूंगरपुर, चूरू, पाली, भरतपुर ये इक्वल एक साथ ये कॉलेज आए, तो ये जायज सी बात है अगर डूंगरपुर की लास्ट रही थी तो उससे एक या दो नंबर और आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि कॉलेज तो सेम ही है। अगर देखो डिपेंड करता है, किसी ने अगर जो अपना इधर का है पूर्वी राजस्थान का स्टूडेंट है उसने अपनी प्रायोरिटी पहले भरतपुर को दी होगी, जो साउथ का है साउथ राजस्थान का उसने डूंगरपुर को दी होगी, और उधर जो तुम्हारा पश्चिमी राजस्थान का उसने बाड़मेर साइड को दी होगी, तो ये बस प्रायोरिटी का फर्क है। तो इसलिए डूंगरपुर को थोड़ा सा, डूंगरपुर ऐसे सुनने में भी अजीब सा लगता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि डूंगरपुर को लोगों ने सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे दिया, तो उसकी कट ऑफ लास्ट रही थी, बाकी उससे एक नंबर ही आप अधिक कर दीजिए उस पर भरतपुर क्लोज हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको भरतपुर में आना है, इस बार का टारगेट रखना है, क्योंकि हर कोई अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेना चाहता है, पहली प्रायोरिटी दी जाती है अगर जो स्टूडेंट भरतपुर के या फिर अपने भरतपुर संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके, तो आप इसमें आराम से एडमिशन लीजिएगा। और बहुत शानदार कैंपस है दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि खुद मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं, तो मैंने वो चीजें बारीकी से देखी हैं इसमें जो मुझे कहीं नहीं दिखी। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ये इसमें पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये कई चीजों को कवर करता है, उधर आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, इनसे काफी इसमें पेशेंट आते हैं। तो एक स्टूडेंट को एज ए मतलब प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत अच्छा कॉलेज है, और इसमें ये हाईवे पे कॉलेज है तो आने जाने की भी कोई दोस्तों समस्या नहीं रहती इसमें, मतलब आप एक जो मेडिकल कॉलेज में जो आप बेसिक चीजें देखना चाहोगे ना उसमें वो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो आप अपना टारगेट बस इस काम पे रखिए कि 2021 में अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो दोस्तों आपको कट ऑफ को मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल तो ऑलमोस्ट वही रहेगा जो पिछले 2 साल से NTA बना रही है, लेकिन लोग कॉम्पिटिशन इस बार तुम्हें पता है कि कोरोना की वजह से कोचिंग भी नहीं चली, तो स्टूडेंटों ने घर पे रह के काफी पढ़ाई की है और इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। और इसमें एडमिशन का प्रोसेसिंग तो ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा कि वही नीट के नंबरों के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, पेपर देंगे, उसके बाद फिर काउंसलिंग होंगी, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप भरतपुर के कॉलेज में आना चाहते हो तो आपका तहे दिल से दोस्तों इसमें वेलकम है, और आप आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। इसके अलावा दोस्तों बस ये मैंने वीडियो आपके लिए एक बेसिक समझाने के लिए, क्योंकि अभी जो नए कॉलेज आए हैं इनके प्रति स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की मैंने जहां तक काउंसलिंग में देखा साइकोलॉजी भी ऐसी है, ओ भरतपुर मिला है, ओ डूंगरपुर मिला है, ओ पाली मिला है, लेकिन ब्रो ये देखो आपकी कॉम्पिटिशन कितना हाई है, ये भी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज लाखों स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया MBBS करने जाते हैं, कुछ स्टूडेंट अपने सपनों को यहीं छोड़ के कोई नर्सिंग में चला जाता है, कोई BMS में चला जाता है, कोई वेटनरी में चला जाता है, आप एट लास्ट एक मेडिकल कॉलेज में तो आ रहे हो, और वो भी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें भी कुछ सीटें दोस्तों पेमेंट सीटें जिनकी 7.5 लाख रुपए फीस के समथिंग है, तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हो, उसमें थोड़ा आपका कॉस्टली पड़ेगा लेकिन उसकी कट ऑफ कम गई थी। अगर आपको प्योर गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो आप अपने आप पे गर्व महसूस कीजिएगा, बल्कि अपने आप को ऐसे ना कोसें कि मुझे ये कॉलेज मिले, बहुत शानदार कॉलेज है, बस अभी तक आपने देखे नहीं, लोगों से सुन सुन के आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। तो दोस्तों आप
अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करें, और जो भी कॉलेज मिल रहा है अगर उस पर गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है तो वो अपने आप में एक अव्वल कॉलेज है, उसको कभी हल्के में ना लें और पढ़ाई पे अपना ध्यान रखें, कंसंट्रेशन रखें। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए तो ये कॉलेज पर्याप्त है। बाकी दोस्तों, अगर आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी साइकोलॉजी ही रहेगी, ना मैं उसको चेंज कर सकता, ना आप खुद उसको चेंज कर सकते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।